नाजरीन, मैं शेफ एहसन जी आज आपके लिए एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी और लेके आई हूँ। यह है मलाई अंडा। जी हाँ, अंडों के लिए हम लोग घर में अंडे होते हैं और अक्सर कुछ समझ में नहीं आया तो हम अंडा बना लेते हैं, लेकिन आप अंडों को अगर डिफरेंट स्टाइल में बनाएं तो और भी मज़ा आएगा। बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी है, तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाजरीन, बन रहा है मलाई अंडा और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 4 टमाटर हैं जिन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया है बग़ैर पानी के। इसके अलावा ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर है जो हम 1.5 टीस्पून डालेंगे। मलाई है तकरीबन 1.5 कप। मक्खन इस्तेमाल करेंगे, मक्खन और तेल दोनों इस्तेमाल करेंगे। 2 कप मक्खन, 2 टेबल स्पून मक्खन और 2 टेबल स्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 5 अंडे बॉयल्ड हार्ड बॉयल्ड लिए हैं, 2 प्याज हैं जिन्हें मैंने बग़ैर पानी डाले, इसे अच्छी तरह ब्लेंडर में चलाया है जो चॉप चॉप सी बन गई है, लेकिन ये थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए अच्छी होगी। इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने काट लिया है। लहसुन अदरक हम 2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। लीजिए नाजरीन, हमने तेल इसमें डाल के और ऊपर से मक्खन डाल दिया है। तेल थोड़ा सा गर्म हुआ तो उसमें हमने मक्खन डाल दिया। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जी नाजिन, आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इतना हमें कलर चेंज करना है, किनारों से जो है उसका वो पकना शुरू हो गया। अब हम इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक डाल रहे हैं, यानी 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक डालें। अगर अलग अलग है तो आप ऐसा कर लें, नहीं तो इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें ये टमाटो पेस्ट जो हमने बना के रखा है वो शामिल करेंगे। बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, ये प्योरली टमाटो का पेस्ट है। और अब इसको मैं भूनूंगी और साथ में मैं इसमें मसाले भी शामिल कर देती हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, और अब हम इस टमाटर का पानी खुश करेंगे। पहले ये लीजिए नाजीन, टमाटर का बिल्कुल पानी खुश हो गया, इसे मैंने अच्छे से भून लिया, थोड़ा ऑयल भी बाहर आ गया है और फिर मैंने इसमें पानी का थोड़ा सा छींटा मार दिया क्योंकि फिर हमें जलाना नहीं है इसको। और अब मैं इसमें ये क्रीम शामिल कर रही हूँ। जी नाजरीन, देखें मलाई डालने के बाद ये पकने लगा। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा गार्निश के लिए बचाएंगे। जी नाजरीन, ये देखें खूब पकने लगा है। अब हम इसमें अंडे शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे से चख लें और अगर आपको नमक मिर्च कुछ इजाफा करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर अंडे भी चले गए और अब हम इसे का चूल्हा ऑफ कर रहे हैं और इसको डिश आउट करेंगे। हमने चूल्हा बंद कर दिया और मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। लीजिए नाजीन, मज़ेदार मलाई अंडा तैयार है। आई होप कि आपको पसंद आएगा क्योंकि बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं आगे अंडों की और भी मज़ेदार औसम सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी जो हम नहीं बना पाते, कुछ समझ में नहीं आया तो अंडा बना लेते हैं, लेकिन अगर आप अंडों को इस तरह खाएँगे तो और भी इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।